बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया है। रज्जन यादव जी ने इसको प्रोड्यूस किया है, इसरार भाई इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसरार भाई के एसोसिएशन में और ये पूरी टीम, विजय पाल जी ने इसको डायरेक्ट किया है। पूरे कलाकारों ने, एक से एक लगभग 18-20 कलाकारों ने इसमें काम किया है। मैं अपनी तरफ से सबको शुभकामनाएं देता हूं और खूब सबका काम अच्छा लगे, फिल्म सबको अच्छी लगे, सबका आशीर्वाद मिले, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। हाँ बिल्कुल, अब ट्रेलर देख के ही मैं आया, मुझे अच्छा लगा कि जिस तरीके की पृष्ठभूमि दिखाई जा रही है तो उसमें कुछ अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और अप्रिशिएट करोगे। मैंने जितना भी देखा है, मुझे मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, टेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कलर कॉम्बिनेशन, ग्रैंजर के हिसाब से एक सिनेमा की जितनी चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो सब चीज़ें इसमें हमें दिखाई दी, इसलिए हम इसको प्रमोट करने आ गए। लखनऊ जंक्शन ही समझ में आता है, नहीं बिलीव करो, पहली बार जब लखनऊ उतरा था तो चारबाग स्टेशन पे ही उतरा था, तो लखनऊ के एक एक गली में मुझे पैदल घूमने का खूब एक अनुभव हासिल है। राय उमानाथ बली से लेकर, रविंद्रालय से लेकर, गोमती नगर से लेकर, विधानसभा मार्ग से लेकर, शहीद पथ से लेकर, सीधे इमामबाड़ा भूल भुलैया तक कहीं भी जाएं, अगर न्यू यूनिवर्सिटी में, हमने 40 दिन लखनऊ में खुद फिल्म भी बनाई है, मैं मेरी पत्नी और वो तो, और पढ़ाई भी की है 92, 93, 94 में, तो लखनऊ से बहुत खट्टी मीठी यादें हैं। लखनऊ की अपनी खसूसियत है, लखनऊ की अपनी शाम है, तो लखनऊ का नाम आते ही 100% अंदर एक बहुत अच्छा भाव आता है कि जिस शहर ने हमें शाम से शाम कहना सिखाया उस शहर का नाम लखनऊ है। थैंक यू। जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश पृष्ठभूमि पे ये फिल्म बनी है और आपने देखा होगा ट्रेलर, तो आपको एहसास हो गया होगा कि ये फिल्म किस तरह की बनी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी फिल्म बनी है, विजय पाल जी ने इसका डायरेक्शन किया है और रज्जन यादव जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। तो इस फिल्म में मुझे एक बेहतरीन कन्होजिया का किरदार निभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे प्रोड्यूसर रज्जन यादव, डायरेक्टर विजय पाल, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर इसरार भाई, और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि राजपाल भाई के साथ ही मैंने फिल्म का करियर शुरू किया था, कि उन्होंने ही फिल्म इंडस्ट्री में पहला काम दिया था। उनके साथ 4-5 फिल्में करने के बाद आज इस फिल्म को, वो लखनऊ जंक्शन को प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आए, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजपाल भाई का। जितना भी मैं शुक्रिया अदा करूँ अपने जीवन में उतना ही कम है, हमेशा उनके प्यार और आशीर्वाद जैसे बना रहता है। तो बस आप सबका भी प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से हमारे ऊपर बना रहे ताकि हम पूरे वर्ल्ड में एंटरटेनमेंट के माध्यम से अभिनय करते रहें। आप सबका प्यार आशीर्वाद मिलता रहे, आप सब खूब सारा प्यार दें, खूब सारा आशीर्वाद दें, क्योंकि आप सबके प्यार आशीर्वाद से हमें डबल ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि आप सबका प्यार और आशीर्वाद बना रहेगा तो इंशाल्लाह इसी तरह, जैसे अभी राजपाल भाई ने काम बोला कि काम करते रहेंगे जब तक जीवन है, तो इंशाल्लाह काम करते रहेंगे, आप सबका इंटरटेनमेंट करते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कन्होजिया ये एक खबरी है, समझ लो ये खबरी है पुलिस का, और ये जो जैसे कि भी आपने देखा पूरे उत्तर प्रदेश में अंडरवर्ल्ड का, जैसे यहाँ बम्बई में अंडरवर्ल्ड बोलते हैं, वहाँ पे उत्तर प्रदेश के जितना भी अंडरवर्ल्ड है उसका भी सफाया होते हुए आपने देखा। तो उसके लिए मैं जो खबर है, खबर पहुँचाने वाला एक खबरी, वो अभिनय किया कन्होजिया, एक बेहतरीन किरदार है, तो इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा आपको देखने में पिक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने प्रोमो देखा है तो मेरा किरदार इसमें एसपी का है, पुलिस वाले का किरदार है, बहुत ही ईमानदार और स्ट्रिक्ट पुलिस वाला है, और लखनऊ में जो बढ़ता हुआ क्राइम है उसके बेस पे फिल्म बनाई है। इसके राइटर और डायरेक्टर विजय पाल जी हैं, हमारे रज्जन यादव प्रोड्यूसर हैं, और विजय पाल जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रेंजर के साथ, एडिटर भी वही हैं, तो मुझे जो मैंने फाइनल प्रोडक्ट देखा है तो
तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारी ऑडियंस जो भी हमारी है वो जाके फिल्म देखे। और ये कोरोना के टाइम पे डिले होता जा रहा था, तो अब वो टाइम आ गया है जब हम फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजपाल जी का। और इससे मोटिवेशन मिलता है जब कोई सीनियर एक्टर, बहुत पुराना एक्टर जिसने काफ़ी काम किया है, जिन्हें बहुत अप्रिसिएशन मिला है, वो एक्टर आके हौसला देता है। और प्रोमो देखने के बाद जब राजपाल जी ने तारीफ़ की प्रोमो की, मेरी तारीफ़ की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इनफैक्ट प्रोमो देखने के बाद उन्होंने बोला कि मैं आने नहीं वाला था, लेकिन जब मैंने प्रोमो देखा तो मुझे लगा कि फिल्म इतनी अच्छी बनी है। विजयपाल जी की तारीफ कर रहे थे, सबकी तारीफ कर रहे थे, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं राजपाल जी को। नहीं, एक क्राइम बेसिस कहानी है, हमारे मन दिल में एक आइडिया है, एक सोच आया कि हमको कुछ लखनऊ पे काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की कैपिटल सिटी है लखनऊ, और अधिकतर वहाँ पर क्राइम बहुत हुआ करता था, तो हम छोटी छोटी चीज़ें देखते थे। मुझे लगा कि इस पे मुझे कुछ अच्छा काम करना चाहिए, तो मैंने एक आइडिया लिया, फिर उसको डेवलप किया हमने पूरी टीम के साथ डेवलप करके, और उसको प्रोड्यूसर से हम मिले, प्रोड्यूसर को हमने आइडिया सुनाया, उसको अच्छा लगा, तो हम उस पे काम करना स्टार्ट किए, और उसका रिजल्ट आज है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और सिनेमा हॉल में फिल्म ये 28 जनवरी को रिलीज हो रही है। नहीं, मोदी जी तो नहीं है, कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट फिल्म बनाऊँगा तो मोदी जी पे ही बनाऊँगा। हाँ नहीं, नॉट योगी जी नहीं, एक करेक्टर है हमारी फिल्म में, वैसा ही। जी जी जी, अफकोर्स मुख्यमंत्री तो कहीं का भी हो सकता है, तो अगर हम यूपी पे काम कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश पे अभी प्रेजेंट मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो हमको ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा ना। जी जी, थैंक यू सो मच राजपाल जी का, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे बीच में आए, मुझे अच्छा लगा एज आ गेस्ट वो यहाँ पर आए, उन्होंने फिल्म को देख करके, मैं भी डर रहा था कि ट्रेलर देखेंगे पता नहीं किसको अच्छा लगेगा किसको नहीं अच्छा लगेगा, जब उन्होंने देखा और उनको अच्छा लगा, मेरी तारीफ की, इसके लिए मैं तो बहुत छोटा हूँ, वो सीनियर हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया, अगर इस तरह के एक्टर तारीफ करते हैं तो फिर बहुत खुश, दिल को खुशी मिलती है कि यार चलो हमको भी ऐसा लग रहा है कि कुछ थोड़ा काम मुझे आता है करना। जी, इसकी शूटिंग हमने लखनऊ में की है, 35 डेज 40 डेज का हमारा शेड्यूल था, पूरा लखनऊ में ही हमने कंप्लीट किया इसको। फिल्म में गाने 5 गाने हैं। जी, इसमें जाकिर हुसैन है जो मेन विलन, जाकिर हुसैन कर रहे हैं, लीड है फिल्म में, जिस जो अभी आपने देखा था एसपी का करेक्टर कर रहे हैं, केशव अरोड़ा कर रहे हैं। हमारी फिल्म में एक फॉरनर लड़की है जो फिल्म की हीरोइन है, और एहसान खान है, अमित बैल हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे आर्टिस्ट हैं फिल्म में। 28 जनवरी को रिलीज हो रही फिल्म। जी, थैंक यू सर। प्रोड्यूसर हमारे रतन भैया जी, जिन्होंने बड़ी शिद्दत और मेहनत के साथ विजयपाल जी का शुक्रिया अदा करता हूँ दिया, क्लिक किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों के माध्यम से हमारी ऑडियंस को पसंद आएगा, हम सब लोगों का काम और हमारी फिल्म उन्नति करके आप लोगों के सबके दिलों में जगह बना। फिल्म के अंदर जो स्पेशल टीम है हमारे एसपी जो फिल्म के हीरो हैं केशव अरोड़ा जी, उनके साथ एक स्पेशल किरदार कर रहा हूँ, मेरे किरदार का नाम है शुक्ला जी, जो कि बहुत ही बेहतरीन किरदार है, आपको जब फिल्म देखेंगे समझ में आएगा। और मैं अपने ही डिपार्टमेंट से गद्दारी करता हूँ और अंजाम मेरा देखने लायक है, आप सबको उम्मीद करता हूँ कि मेरा रोल पसंद आएगा। और ये बहुत अच्छी मूवी है, एंड थैंक्स फॉर मिस्टर रतन सिंह यादव प्रोड्यूसर जिन्होंने पिक्चर बनाई और हम सब कलाकारों को मौका दिया जीवन में कुछ करने का।
इस पिक्चर में हमने क्राइम की स्टोरी को शो किया है, कैसे हमने क्राइम को कंट्रोल करके दिखाया उत्तर प्रदेश में। एक एसटीएफ टीम जो क्राइम को कंट्रोल करती है उत्तर प्रदेश के अंदर, इस मूवी में हमने उसको दिखाया। और मैं दोबारा फिर शुक्रिया अदा करूँगा मिस्टर रतन सिंह यादव का, जिन्होंने इस पिक्चर को बनाया और हम सब कलाकारों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, एक अच्छा मौका दिया। और मैं हमेशा दुआ करूँगा कि सब लोगों को अच्छा काम मिले और आगे वो अच्छे अच्छे नए नए प्रोजेक्ट बना सकें। सर, मैं लखनऊ जंक्शन से जुड़ा था अपने मित्रों के थ्रू और इसको हमने लखनऊ में शूट किया था। वहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे थे जो अलग अलग स्टेट से आए हुए थे, सब लोग एक जगह मिले, एक जगह खाना पीना, बहुत अच्छी शूट हमने वहाँ पे किया। और उम्मीद है आप लोगों को पिक्चर ज़रूर पसंद आएगी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। हमारे डायरेक्टर पूरे मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिल्म में हमने एक आइटम फिल्म किया है सपना जी के लिए, सपना जी के लिए, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब बहुत बेहतरीन लगेगा। इसमें एक सिंगर है जो लंदन बेस है, ऋषि मल्होत्रा जी, और साथ में उनके विजय मालिया। लखनऊ जंक्शन जो फिल्म है ये लखनऊ में पूरी शूट हुई है और कोरोना की वजह से थोड़ा टाइम लग गया है। बाकी जो है जो इसकी शूटिंग हुई है वो पूरी लखनऊ में हुई है और एक क्राइम बेस पे हुई है। जो वहाँ की सरकार थी अभी पिछले 5 साल से पूरा हो गया समय, और जो उन्होंने वहाँ से माफियाओं का सफाया किया है सरकार ने, उसी के आधार पर ये लखनऊ जंक्शन फिल्म की कहानी बनाई गई है। और मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस फिल्म को देखें। मैं रतन सिंह यादव, प्रोड्यूसर लखनऊ जंक्शन। आज राजपाल यादव जी गेस्ट के तौर पे आए थे आपको बधाई देने के लिए फिल्म के, तो उसके बारे में बताइए। राजपाल जी आए हैं, उनका स्वागत किया और राजपाल जी ने खुद कहा कि सभी लोग इस फिल्म को देखें। आप 28 जनवरी लॉक किया है और ऑल ओवर इंडिया बॉम्बे छोड़कर ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं। भैया ये एक अलग टाइप के आदमी हैं, बहुत कम बोल रहे हो भैया, बहुत कम लोग ऐसे दुनिया में पैदा होते हैं जिसमें एक हमारे रंजन भैया है। बहुत लवेबल पर्सन, बहुत प्यारे इंसान और मुंह पे बोलने वाले, बेधड़क बोलने वाले, सच बोलने वाले। और बड़ी मेहनत से पिक्चर बनाई है, बड़े दिल से बनाई है। बस मालिक करे, परमात्मा करे, अल्लाह करे कि फिल्म कामयाब हो, कोशिश तो यही है। थैंक यू। लखनऊ जंक्शन उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा विषय को लेके क्राइम कंट्रोल के सिलसिले में पिक्चर बनाया गया है। मैं सज्जन सिंह यादव का बहुत जी का जो प्रोड्यूसर हैं विजय पाल जी, और सबसे अट्रैक्टिव इसमें हीरो भी बहुत पुलिस इंस्पेक्टर का काम किया और एक मेरा मित्र है वो खबरी का काम किया है इसमें। और वो खबरी का काम ही है कि कहाँ पर क्राइम हो रहा है, कहाँ पर कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसकी जानकारी पुलिस को देना। तो मेरा मित्र ताहिर कमाल खान बहुत अच्छा एक्टिंग किया है, ट्रेलर में देखा हूँ और मैं उसके मूवी का हल्का झलक भी देखा हूँ। तो मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से पूरी टीम ने एक बहुत बड़ा बड़े पर्दे का मूवी बनाया है और इसमें योगी जी का जो सोच है उसको दर्शाया गया है, क्राइम फ्री लखनऊ, इसीलिए मैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इवेंट में हमारा एक तो लखनऊ जंक्शन, चूँकि लखनऊ से मुझे नाम ने मुझे अटैक किया, तो विजय पाल ने मुझे एक कहानी बिल्कुल तो सुनाई जो राइटर होने के बावजूद मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो मैं उनके लिए यहाँ पर आया और लखनऊ ने मुझे अटैक किया लाया। तो मुझे लगता है कि अच्छा प्रयास है मेरी टीम का जो मुझे दिखा फिल्म में, अच्छे किरदार और फिल्म में ट्रीटमेंट बहुत अच्छा आयोजित करते विजय पाल ने किया। दूसरे से ये है कि कम संसाधनों के बाद
अगर एक टीम इस तरह का एक भव्य फिल्म बना सकती है तो मैं बड़ी शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बजट भी एक फिल्म का होगा लेकिन टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग फिल्म है और चरित्र बहुत अच्छे लगे। और आज वर्तमान का विषय मुझे लगता है, मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगा हमारे प्रोड्यूसर साहब को, विजय पाल प्रोड्यूसर साहब को, और आप सबको धन्यवाद करूँगा कि ऐसी फिल्मों को थोड़ा सा अच्छे से इन्हें थोड़ा केयर करें आप सब लोग मिलकर।